हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी 24। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक है करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करें इससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा वर्ष 2018 के मीरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है दीप्ति कुलश्रेष्ठ। दीप्ति कुलश्रेष्ठ को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा वर्ष 2018 का मीरा पुरस्कार सितंबर 2018 में दिया गया है। दीप्ति कुलश्रेष्ठ का संबंध जोधपुर जिले से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना भारतमाला में राज्य का कौन सा सड़क मार्ग शामिल किया गया है? एक भरतपुर राजमार्ग, दो उदयपुर राजमार्ग, तीन कोटा राजमार्ग, चार कोटपुतली बाईपास। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार नंबर ऑप्शन, कोटपुतली बाईपास। हाल ही में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भारतमाला में नेशनल हाईवे 8 कोटपुतली बाईपास को सड़क मार्ग में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना को राजस्थान के किस जिले से शुरू किया गया है? सीकर, दो झुंझुनू, तीन चूरू, चार सॉरी एक सीकर, दो जयपुर, तीन झुंझुनू, तीन चूरू, चार झुंझुनू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है झुंझुनू। राष्ट्रीय पोषण मिशन की योजना की शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू जिले से की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में राज्य का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का महिला संचालित रेलवे स्टेशन बना है? एक उदयपुर रेलवे स्टेशन, दो गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर, तीन कोटा रेलवे स्टेशन, चार झुंझुनू रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। हाल ही में ऐसा रेलवे स्टेशन है जिस पर सभी पदों पर महिलाएं लगाई गई हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व श्रीलाल जोशी का निधन हो गया। उनका संबंध था एक पत्रकारिता, दो चित्रकारिता, तीन साहित्य, चार नाटक मंचन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो चित्रकारिता। श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ चित्रकला से था। फड़ का मतलब होता है कि कपड़े पर देवताओं के चित्र अंकित करना, और इन्होंने ये शाहपुरा भीलवाड़ा से संबंधित है। इन्होंने फट चित्रकला में बहुत ही पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कितने जिलों को हाल ही में यमुना नदी के पानी मिलने की सहमति बनी है? दो, तीन, चार, पाँच। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, तीन जिलों को। राज्य के तीन जिलों को हाल ही में यमुना नदी के पानी मिलने की सहमति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस वास्तुकार को आर्किटेक्ट क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार प्रिट्जर आर्किटेक्चर से सम्मानित किया गया है? एक बालकृष्ण जोशी, दो रामकृष्ण शर्मा, तीन अजय कुमार, चार महेंद्र वात्सायन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन, बालकृष्ण जोशी को आर्किटेक्ट के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रिट्जर आर्किटेक्चर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला है? एक दूसरा, दो चौथा, तीन तीसरा, चार पहला। केंद्र सरकार के नेशनल अचीवमेंट में राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और जबकि पहला स्थान दिल्ली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला बोन बैंक कहाँ खुलेगा? एक बूंदी, दो कोटा, तीन झालावाड़, चार जयपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोटा। राज्य का पहला बोन अर्थात हड्डी बैंक कोटा में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की किस शाही ट्रेन को टूरिस्ट ट्रेन ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है? एक रॉयल एक्सप्रेस, दो भारत दर्शन एक्सप्रेस, तीन पैलेस ऑन व्हील्स, चार महाराजा एक्सप्रेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, पैलेस ऑन व्हील्स को हाल ही में टूरिस्ट ट्रेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी कहां पर खोली जाएगी? एक उदयपुर, दो कोटा, तीन जयपुर, चार जोधपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, जयपुर में पहली दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी जयपुर में खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2018 के अवसर निम्न में से किस राजस्थानी व्यक्तित्व को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया? एक श्री नारायण दास,
दो राम नारायण देव, तीन राम नारायण शर्मा, चार इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन, श्री नारायण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2018 में राजस्थान के किस निशानेबाज ने कांस्य पदक जीता है? एक संदीप मान सिंह, दो विवान कपूर, तीन सुंदर सिंह गुर्जर, चार गौरव सिंघवी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, विवान कपूर ने मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित शूटिंग वर्ल्ड कप 2018 में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2018 में दुबई में आयोजित 10वीं फाजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के किस या किन खिलाड़ी और खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? एक सुंदर सिंह गुर्जर, दो संदीप मान, तीन आनंद गुन्ना सेकरन, चार उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समुद्र में 36 किलोमीटर लगातार तैरने का विश्व रिकॉर्ड किस राजस्थानी खिलाड़ी ने बनाया है? विवान कपूर, गौरव सिंघवी, अभिषेक वर्मा, संदीप मान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, गौरव सिंघवी। हाल ही में समुद्र में 36 किलोमीटर तैरने का विश्व रिकॉर्ड राजस्थान के गौरव सिंघवी ने बनाया है। गौरव सिंघवी मुंबई से गेटवे तक 36 किलोमीटर दूरी से पर तैरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान चुनाव आयोग ने फरवरी 2018 में किस पैरा एथलीट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एक सुंदर सिंह गुर्जर, दो देवेंद्र झाझड़िया, तीन संदीप मान, चार दीपक चाहर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, देवेंद्र झाझड़िया को राजस्थान चुनाव आयोग ने फरवरी 2018 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिलोंग में आयोजित नेशनल सीनियर वुशु चैंपियनशिप की 70 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? शगुन चौधरी, मुकेश चौधरी, जितेंद्र सिंह, ओम प्रकाश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, मुकेश चौधरी। हाल ही में शिलोंग में आयोजित नेशनल सीनियर वुशु चैंपियनशिप के 70 किलोग्राम भार में मुकेश चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तिरुवनंतपुरम में संपन्न 6वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अपूर्वी चंदेला ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर राइफल, 50 मीटर एयर राइफल, 25 मीटर रैपिड पिस्टल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, 10 मीटर एयर राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की खिलाड़ी स्वाति दूधवाल का संबंध किस खेल से है? एक निशानेबाजी, दो तीरंदाजी, तीन तैराकी और चार कबड्डी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, तीरंदाजी। स्वाति दूधवाल का संबंध तीरंदाजी से है। स्वाति राजस्थान के चूरू जिले की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2018 को जारी की गई भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, 4.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? एक म्यांमार, दो मालदीव, तीन नेपाल, चार भूटान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, नेपाल। हाल ही में सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लमित्ते 8 संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? एक भारत चीन, दो भारत मालदीव, तीन भारत सेशेल्स, चार भारत श्रीलंका। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, भारत सेशेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति 4 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? एक भारत और जर्मनी, दो भारत और फ्रांस, तीन भारत और अमेरिका, चार भारत और भूटान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनवोक्स 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? एक इंडोनेशिया, दो थाईलैंड, तीन कंबोडिया, चार वियतनाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार नंबर ऑप्शन, वियतनाम। विनवोक्स 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के साथ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वेरियन 8 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? एक भारत मालदीव, दो भारत सेशेल्स, तीन भारत श्रीलंका, चार भारत नेपाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन, भारत मालदीव के बीच एक्वेरियन 8 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अजय वॉरियर्स युक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत ब्रिटेन, भारत जापान, भारत चीन और भारत अमेरिका। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, भारत ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMBAX संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया? एक मालदीव, दो म्यांमार, तीन थाईलैंड, चार वियतनाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, म्यांमार। इम्बैक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत ने म्यांमार के साथ आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रीति सात संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? एक भारत नेपाल, दो भारत भूटान, तीन भारत श्रीलंका, चार भारत बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, भारत बांग्लादेश के बीच संप्रीति 7 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। प्रबल दोस्तिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या कजाकिस्तान। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, कजाकिस्तान। प्रबल दोस्तिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा कजाकिस्तान के साथ किया गया है। इंदिरा संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया है? भारत चीन, भारत रूस, भारत जर्मनी और भारत फ्रांस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, भारत रूस। इंदिरा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, म्यांमार। इसका सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, श्रीलंका। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत ने श्रीलंका के साथ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन DNX सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? एक अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, अंडमान और निकोबार। DNX सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत में अंडमान और निकोबार में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों की श्रेणी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब किससे जीता? एक मेरिन फिलिंग, दो रोजर फेडरर, तीन मेट पेलविक, चार राफेल नडाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, रोजर फेडरर। पुरुषों की श्रेणी में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 का खिताब रोजर फेडरर ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, US ओपन 2018 के महिला वर्ग का खिताब हाल ही में किसने जीता? सेरेना विलियम्स, नायोमी ओसाका, विनस विलियम्स, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, नायोमी ओसाका। US ओपन 2018 के महिला वर्ग का खिताब नायोमी ओसाका द्वारा जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2018 के ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने किसको हरा कर जीता? दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 2018 की ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता 2017-18 का खिताब किस राज्य ने जीता? दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, विदर्भ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, विदर्भ। रणजी ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता 2017-18 का खिताब विदर्भ ने जीता। नेक्स्ट, मलेशिया में आयोजित सुल्तान अजलान साहर हॉकी ट्रॉफी 2018 किस देश ने जीती है? मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या अर्जेंटीना। इसका सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया ने। मलेशिया में आयोजित सुल्तान अजलान साहा हॉकी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ने जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत के पहले एवं विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने? एक प्रज्ञानंद, दो एम मैथ्यू, तीन के हरिहरन, चार में से कोई रहे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, प्रज्ञानंद हाल ही में भारत के पहले वह विश्व के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये थे हमारे करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हमारे किसी भी क्वेश्चन में संशय हो तो कमेंट जरूर दें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें जिससे हमारे सभी व्यूअर्स इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।